लॉकडाउन में भगवान भरोसे चल रही कोटा की आंगनबाड़ी। लॉकडाउन में पिछले 5 महीने से बंद तमाम आंगनबाड़ी अब भगवान भरोसे चल रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायकों को शासन ने साफ निर्देश दिए हैं कि आंगनबाड़ी बंद होने की सूरत में वह घर घर जाकर बच्चों का वजन करने के साथ ही गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण सहित आंगनबाड़ी में दर्ज कुपोषित बच्चों का समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कर संबंधित विभाग को अपनी रिपोर्ट दे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में संचालित हो रही आंगनबाड़ियों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका एक तरफ आंगनबाड़ियों में तालाबंदी तो कर चुकी हैं, लेकिन घर घर पहुंचकर वह ना तो गर्भवती महिलाओं की मॉनिटरिंग कर रही हैं, ना ही उन्हें छोटे बच्चों के स्वास्थ्य कोई चिंता रह गई है। ताजा मामला कोटा आंगनबाड़ी का है। यहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जाँच में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। यहाँ पदस्थ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा तिवारी है। घर घर नहीं किया जा रहा पोषण आहार का वितरण। राज्य शासन ने रीवा में लॉकडाउन में ढील दे दी है। इसके साथ ही तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों को घर घर जाकर बच्चों को पोषण आहार वितरित करने के साथ ही गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण करने और समय समय पर उनका टीकाकरण करने के निर्देश भी दिए हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते शहरी क्षेत्र ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका इस कार्य में अपनी दिलचस्पी नहीं ले रहे। पूरा मामला क्या है आइए दिखाते हैं ब्यूरो चीफ रवि प्रकाश मिश्र की इस खास रिपोर्ट में। हाँ जी, आपका नाम क्या है? आरती तिवारी। अच्छा, ये कौन सा गांव है? ये सिनहर ग्राम कोटा। कोटा है। अच्छा, आंगनबाड़ी से क्या समस्या है आपको, आप बता रहे थे? हमारी गुड़िया 10 साल की हो गई है। अच्छा। हम पूरे रिकॉर्ड जमा कर दिए थे। अच्छा। पर उनका ना वो लाडली योजना वाला कोई प्रूफ नहीं दे रहे हैं। अच्छा, मतलब अभी तक नहीं। लाडली योजना का तो ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि आपको THR मिलता है दलिया जो? नहीं, कुछ नहीं, हमको तो कुछ नहीं मिलता। अच्छा, कभी नहीं मिला? कभी नहीं मिला। आपने इसके बारे में उनसे कभी आपने मुलाकात किया? हाँ, हरदम करती हूँ। अच्छा, तो उन्होंने क्या बोला? बोले ये सब ऊपर से ही है, घपला हो रहा है, हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा भी कलेक्टर में मैं आवेदन दूंगी। वो बोले कि दे दीजिए, पर ऊपर ही खा ले रहे हैं। यहाँ कोई रिकॉर्ड भी नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा, ऐसा उन्होंने बोला है। क्या क्या नाम है उनका? आशा तिवारी। आशा तिवारी नाम है। अच्छा, आपका क्या कहना है इसमें? तिवारी नहीं, मतलब क्या THR मिलता है आपके यहाँ बच्चों को जो आपके पोते हैं? नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। चार छह महीने में एक बार। हाँ। लॉकडाउन के समय क्या उन्होंने घर घर आके सबको वितरण किया था? नहीं की। अच्छा, आपका क्या कहना है? आपके भी बच्चे हैं छोटे छोटे? तीन बच्चे हैं। तो THR आपको मिलता है? नहीं, कतो मिलता है, नहीं। एक कतो को तो शाब्दिक अर्थ क्या हम समझेंगे, मतलब कब मिलता है? कोरोना के पहले मिलता था? कोरोना के समय मिला है क्या? कोरोना के समय में घर आके दिया गया या मतलब आपको जाना पड़ा उनके घर? जाना पड़ा है घर, थोड़ा थोड़ा पंजीरी आधा आधा पाव हुआ है। अच्छा,